देर इज अ रूल इन इंग्लिश कि किसी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन फिर भी अगर किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना पड़ जाए तो आप उसके पहले द का यूज करिए। द प्लस एडजेक्टिव बन जाता है प्लूरल नाउन। अगर किसी एडजेक्टिव के पहले द ऐड कर देते हैं तो वह प्लूरल नाउन की तरह से कंसीडर होता है। हिंदी में तो एक फैसिलिटी है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आप अमीर को अमीरों कह सकते हैं, गरीब को गरीबों कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में पुअर्स या रिच्स नहीं बोला जाता। जनरली हमें किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाना होता है तो हम उसमें ऐड कर देते हैं एस, लेकिन किसी एडजेक्टिव में हम एस को ऐड करके प्लूरल नहीं बना सकते, उसके लिए हमें उसके पहले द लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर, द रिच आर गेटिंग रिचर, द पुअर आर गेटिंग पुअरर। यहां पे देखिए प्लूरल की तरह से कंसीडर किया गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज ना लग के आर लगी, द पुअर आर गेटिंग पुअर। तो इस तरह से किसी भी एडजेक्टिव को अगर आपको प्लूरल बनाना है तो आप उसके पहले द लगाइए। थैंक यू।